Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 live on A-Sports. रमान भाई, अगर आप माइंड नहीं करें, मेरा मतलब आपको इतराज नहीं हो, तो मैं चाहूंगा कि निकाह और रुख्सती भी हम लोग फौरन कर दें। यहां से ले जाओगे आप, अपने साथ ले जाओ। साकिब भाई, साकिब भाई, वो लड़का परिया बाटी के रूम में गया है। वो मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं। मैं पागल हो गए हो? बाहरी तमाशा लगा हुआ है फरहाद, हम नहीं निकल सकते अभी। अब वो सब मैं संभालूंगा। मेरा भाई तो हमें जान से मार देगा। आसिफ, रेहान, क्यों इतना मीठा खा रहे हैं? शुगर हाई हो जाएगी। एनर्जी आती है। ये आपकी गरम गरम चाय होगी। सरिया, बहुत शुक्रिया। अब तुम सारा दिन नाश्ता बनाने में मत लगे रहना। उधर जाके चेक करो लाइटों वालों ने क्या किया है। सारी जला जला के चेक करके देखना। तुम हाल ये घूम रहे हो, अभी तक लगा दो कहीं। अच्छा जी, बाजी कहाँ लगाओ? मेरे सर पे लगा दो। पर ये कौन से थाल ले आए हो? गलत फूल है, गजरे चाहिए थे। ठीक है भाई। इनको देखो, आप क्या कर रही है भाभी? अरे मेहंदी लगवा रही हूँ। तुम परिया को मेहंदी लगाने वाली आने वाली है, तुमसे लगवा लेती ना। सुबह से कामों में लगी हूँ, अभी बैठ। भाई ए भाई, ये बत्ती यार, उधर तुमने तीन लड़ियाँ लगाई हैं, इधर तुमने एक लड़ी लगाई है। मुझे पूरा जीना कवर चाहिए। मुझे क्या कर रहे हैं आप? देख रहे हो ना इसको? मैं कराता हूँ। आपने पेमेंट की 50% की है बस। अच्छा, बाकी फंक्शन के बाद करना पेमेंट। ठीक है ठीक है, ये मुझे काम सही। अरे ये बेटा, ये खेलने की जगह नहीं है। क्या बदतमीजी है ये? काम चल रहा है इधर। अरे रुको, आ रहा हूँ। बड़ी कॉल है। वालेकुम सलाम। मेहंदी लग रही। अच्छा, ऐसा करें आप लोग, बहुत सामने चले हैं अपनी पैगल का आए लोग। बड़ी पार्टी याद रही है। चुप करो, वॉक हाउ में ऐसे जल्दी चले जाए, सही सलामत जा सकेंगे। हाँ हाँ, सेकेंड से क्या? मुझे तो डर लग रहा है। एकदम ही पूरे रखने अंदर चलो, कुछ होगा तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन? वालेकुम अस्सलाम। मेहंदी लगन। अच्छा अच्छा, बिल्लू बिल्लू बिल्लू, ये मेहंदी लगाने वाली आई है, इनको परिया के कमरे में ले जा। अच्छा अच्छा अच्छा, आए आए साथ चल। चलो ओके भाई, टाइम चलो। ठीक है, और चौक पे सीधे आ रहे। जल्दी से एक मिनट। अच्छा, ये वो कौन? मैं हूँ सिया, दरवाजा खोलो। हाँ जरा, मेहंदी लगवा ली तुमने? बस मैं अभी डिजाइन ही डिस्कस कर रही थी। चलो आओ, दोनों मिलके लगवाते हैं। मैं सोच रही थी कि मैं ना तुम सबको सरप्राइज दूंगी अपने मेहंदी के डिजाइन से, तो तुम जाओ, मैं फिर लगवा के तुम्हें दिखाऊंगी। मैं सोच रही थी दोनों साथ में लगवाते, कितना मजा आता। ये दोनों अगर जल्दी से मेरे हाथों पे मेहंदी लगा देंगे, फिर तुम्हारे भी लग जाएगी ना। तुम आई थिंक जब तक शगो फूफो की हेल्प कर दो, वो बुला रही थी शायद। आप मुझे बुला लेना। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बुला लूंगी। चलिए आप मेहंदी निकाल लें जल्दी से।
शुक्र अल्लाह का सब ठीक हो गया ना। हाँ अल्लाह। अरे यार ये लाइट यहाँ क्यों लगा दी है? शीशा है सामने, उस तरफ करो। हाँ हाँ इसी तरफ। गुड बॉय। अरे रुको जी। सुनो बेटा यहाँ आओ। ए ना मेरा बच्चा, ये लो बेटा इधर आ। जीत रहो, खुश हो, आबाद। एक लाइट पे एक लड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल। अरे रुको जी, मेरी मेहंदी तो रह गई। वो अभी इसकी तबीयत खराब हो रही है, मैं इसको छोड़ के आ जाऊं जब तक आप पेडीक्योर करवा रहे हैं। अब कोई कुछ भी बोले, जो भी सवाल करे, रुकना नहीं है, सीधा सीधा बस चले जाना है बाहर। ठीक है, किसी की नहीं सुननी है बस। हो गया आप लोगों का जी? चले, बहुत शुक्रिया। का खाना निकाल दे, मैं फरिया तक खाना पहुंचा दूं। अरे रमशा, ये जरा फरिया तक खाना तो पहुंचा दो, उसकी मेहंदी में 2-3 घंटे लग जाने, मुझे बहुत काम है किचन में, वो भूखी रह जाएगी। मुझे भी बहुत काम है, मैं उसके मुंह में निवाले नहीं डाल सकती। ये ट्रे लेके चली जाती हूँ, ज़ारा या बिल्लू में से किसी को बोल दे। अच्छा तुम ट्रे ले जाओ, मैं तब तक बाकी काम कर लूं। शक्को पप्पो को भी सिर्फ मैं ही नजर आती। श्रिया, श्रिया, छो बाबा, छोर क्यों कर रही है? छोर तो अब मचेगा पापा, भाग गई आपकी लड़की घर से। आप बकवास कर रही हो? ये क्या कह रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? तुम्हारे दिमाग ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, काश अपनी लाडली का दिमाग सही टाइम पर ठिकाने लगाया होता। ऐसा कैसे हो सकता है साकिब? घर में ही होगी वो कहीं, देखो उसे, जरा फोन लगाओ। भाई साहब आप बैठिए आराम से, जाओ मकसूद देखो तो गार्डन में जाके। भाई साहब आप परेशान ना हो, यहीं गई होगी, आप हौसला रखें। चली गई, मेरे मुंह पे कालक पोत के चली गई। नंबर भी बंद है उसका। इससे कैसे हो सकता है? भरे घर में सबके सामने कैसे जा सकती हो? चौकीदार ने भी नहीं देखा क्या? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? गार्डन में देखा है, वहां नहीं है। चौकीदार से पूछा, वो कह रहा है कि मैंने आते आते नहीं देखा। फरिया के कमरे में आखिर में कौन गया था? ये मेहंदी वालियां गई थी, बल्कि काफी दिन से फरिया तो अपने कमरे से निकली ही नहीं है। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। तुम दोनों में से कौन गया था फरिया के कमरे में आखिर में? जवाब दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। भाई वो आपकी बुकिंग के बाद फरिया बीबी की कॉल आई थी, उन्होंने कहा था कि 50,000 देंगी अगर मैंने उनको अपना बुरखा दे दिया और भगाने में मदद की तो। या अल्लाह, ये किस किस्म की लड़की है? कितना शैतानी दिमाग चलता है इसका? ये क्या कर दिया तुमने? लड़कियों की बेटियों को घर से भागने के लिए मदद करती हो तुम लोग? नहीं बाजी, हम गरीब लोग हैं, आइंदा से नहीं होगा, माफ कर दें। बर्बाद कर दिया तुमने हमें।
अरे फरिया ने बर्बाद किया है हमें। अरे अपना सिक्का ही खोटा हो तो दूसरे को क्या कहना। फोन रख दो साकिब। भाभी अभी 2 दिन बाद निकाह है, क्या कहेंगे हम लोगों को? निकाह से पहले वापस लाएंगे उसे। इस घर की इतनी बेइज्जती में करवाने नहीं दूंगा उसको। उसको वापस लाएंगे और हाथ पकड़ के भी साइन कराना पड़ा ना तो मैं साइन कराऊंगा उससे। इसी घर से रुखसत होगी वो और उसके बाद इस घर से उसका हर रिश्ता हर नाता खत्म। साकिब अब आप कुछ नहीं बोलेंगे पापा, आपने अपने तरीके से करके देख लिया है, अब मैं अपने तरीके से करूंगा। कहां ढूंढोगे उसे? अरे उसी लड़के के साथ भागी होगी वो। अरे कोई उसका पता पता जानता है? कोई कोई उसके दोस्त को जानता हो, खुशी को तो जानता हो। उस लड़के के कजन का एक जिम है, बिल्लू जा चुका है वहां, हो सकता है वहीं से कोई खबर। काय जिम? फिया, ये पानी दे दो। जो जो बस आता होगा मिनरल वाटर लेकर, बाकी भी जरूरत का सामान ले आएगा। हम यहां रहेंगे इतने कम टाइम में, यही इंतजाम हो सका। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। देवे भाई ऐसे उनको बेहतर जगह का इंतजाम हो सकता है। हाँ क्या कह रहा था? हाँ मैं कह रहा था किसी बेहतर जगह का इंतजाम हो सकता है। नहीं शुक्र कर ये मिल गई है, अभी सर छुपाने के लिए कोई जगह चाहिए फिलहाल। मामला ठंडा होने दे, फिर देखते हैं। सुन कोई चादर तो अभी आना। चादर तो है ना? अब इस आफ चादर कह रहा हूँ, मेरा मिनरल वाटर पी रही है। अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। अच्छा सुनो तुम दोनों निकलना नहीं यहाँ से, अब लोग देखेंगे सवाल करेंगे मसला होगा। ठीक है मैं आता हूँ थोड़ी देर में। नहीं नहीं तुम खाओ। ओके तुम बैठो, मैं साफ कर देता हूँ। बैठो खाओ आराम से, आ जाओ। उसको भी चल, बस चल चल आ जा। ले आओ ले आओ उसे ले आओ। का है वो? क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो अभी शुरू नहीं बेटा, जो भाई पूछ रहे सी सीधा बता, वरना इतना पिटेगा ना। छोड़ो जब तक वो दोनों मिलते नहीं है तो तोड़फोड़ जारी रखो। ठीक है भाई चलो।
अबे कहाँ जा रहा है भागता हुआ, जा जिम जा वापिस। बस जो जो भाई बता नहीं दिया क्या? क्या हो गया? तेरे जिम का सत्यानाश कर रहे गुंडे लोग। बाप का मान समझा क्या हो, तोड़ रहे हो? पकड़ो जे, पकड़ो जे, पकड़ो पकड़ो। यूसुफ भाई कुछ खा लें, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ऐसे तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। कुछ नहीं खा रहे, दवा भी नहीं खा रहे। यूसुफ भाई यूसुफ भाई आप तो हमारी हिम्मत है। हार गया मैं जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में। अपनी औलाद की तरबियत में हार गया मैं। ये लीजिए मैडम फरहाद स्पेशल गर्मा गर्म नूडल। ये खाना थोड़ी होता है, ये सेहत के लिए बहुत बुरे होते हैं, इसमें प्लास्टिक होती है। अच्छा अभी इससे पेट भर लो ना, बाद में तुम्हें ला देता तुम्हारे डिफेंस का पिज्जा। कुछ और नहीं है खाने को क्या? टिप से काम चलेगा? जूस बिस्किट। अच्छा अभी ये खा लो ना, मैं फिर जो जो कहता आता हुआ वो मन कबाब ले आएगा। लेकिन ये फिर भी नहीं खाऊंगी मन कबाब। चूचू वो क्या हुआ? क्या हुआ? अब किसने किया क्या? वैक्सीन हो गया है, इसके भाई आए थे जिम पे, 10-12 गुंडों के साथ मेरा जिम तोड़ दिया यार। पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं तुम दोनों को, बड़ी मुश्किल से जान बचा के निकला हूँ वहां से। आगे का जो प्लान है भाई जल्दी करना होगा। क्या होगा? सवाल यहां मैं पूछ रहा हूं, काय फरहाद तेरी जरूरत कैसे है मेरे घर में कुछ नहीं? शुक्र करो मैं अभी अकेला आया हूं, पुलिस नहीं आई है। जब से फरहाद गया है तुम्हारे अम्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती। बताते कहाँ है, बस छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, फिर अंदर जाकर लेट जाते हैं। इकलौते बेटे तो बुढ़ापे का सहारा होते, अब अगर वही कंधे झुका दें तो बीमारियां तो आएंगी ना। वालेकुम सलाम। तुम कब आई भाई? बस अभी कोई आधा पौन घंटा हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ अभी।
अच्छा बताया नहीं मुझे। आप सो रहे थे ना अब्बा, और तबीयत भी सही नहीं, आपकी अम्मी बता रही थी, बस डिस्टर्ब नहीं किया। मैं इसने तो तमाशा बना दिया मेरा, जरा आराम क्या कर लूं, बीमारी की दुकान में लाती थी ये मुझे। मैं कुछ भी नहीं हुआ मुझे, ठीक हूँ मैं, बस थकावट हो गई थी इसलिए लेट गया था। अब्बा मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए? एक काम करना, यहाँ से जाते हुए जरा भगवान से होते हुए आ जाना, तो वो शमशाद से हिसाब लेके मुझे देना, मैं सुबह जमा करा। जी अब्बा हो जाएगा, बल्कि आप रहने दें, मैं खुद सुबह आ जाऊंगा, पैसे गिनवा लूंगा और जमा करवा दूंगा। अरे यार क्या गिनना गिनाना बेटा, तुम गिन लेना और गिन के जमा करा के पर्ची देना, मैं फाइल में लगा दूंगा। जी जैसे आपकी मर्जी। कौन आई है इस वक्त? मैं जाके देखती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये तो रात का घर है। रात का घर है? आप लोग कौन है? कहाँ है वो? घर पे नहीं है आप लोग को है? कौन है? क्या बदतमीजी है? कौन है? राज कौन हो भाई? ये क्या हो रहा है यहाँ? किरण सवाल यहाँ मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ है फरहाद? तेरी जरूरत कैसे है मेरे घर में कुछ नहीं? ए शुक्र करो मैं अभी अकेला आया हूँ, पुलिस नहीं आई है। पुलिस क्यों आएगी? ज्यादा मासूम नहीं बनो, तुम्हारा बेटा मेरी बहन को लेके भागा है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। और छोड़ के गई है वो, यानी क्या घोल के पिलाए, कैसी टीचर खानदान में फंस गई है। मैं तू होगा टीचर तनी से बात कर, अभी बताता हूँ तुझे, जाओ घर की तलाशी लो जाओ। ए खबरदार मेरे घर में नहीं घुसना कोई भी। एक मिनट अब्बा, अब्बा इन्हें तलाशी लेने दे, जाओ चलो। रात की वजह से मोहल्ले में आप अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे? इनको तसल्ली करने दे के फरहाद यहाँ नहीं है। अच्छा नहीं कर रहे तू, ऐसे देख इसे, सही देख, देख इसको कहाँ पर रही है, कहाँ छुपा हुआ है, देख इसको अच्छी तरीके से, देख उसको एक एक कोना छान मार, देख कहाँ छुपा हुआ है। अरे यही कहीं होगा इस कमरे में, किसी भी कमरे में देखो, एक एक कोना छान मारो। आओ बड़े मियाँ इधर इधर, कहाँ छुपा के रखा ही रोको, क्या हुआ? नहीं है, सही से देख एक एक कोना छान मार, वहीं छुपा होगा ये। भाई किसको ढूंढ रहे हो आप? कहाँ हीरो तुम्हारा? वो हीरो कहाँ है तुम्हारा? फहद कहाँ छुपा के रखा उसे? वो घर में नहीं है भाई। क्या हुआ? उस घर का कोना कोना छान मारा, नहीं है, कब तक बचेगा? चलो ढूंढ निकालो उनको। मैं बॉस पूरा घर चार मारा, कोई नहीं अंदर। कहाँ छुपाया है? हम लोग शरीफ लोग हैं, और फरहाद इस वाक्य के बाद ना हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। कुछ जैसे ही हमें मिलेगा हम आपको बता देंगे, उसे दे देना पुलिस में। अच्छा बस मेरे लड़के यही पैरा देंगे, कोई खबर मिले मुझे बताना, मुझे मिलेगा ना जान से मार दूंगा मैं उसे। चलो याकूब अल्लाह के पास से सुना है ना उनको। अब लड़की बढ़ा के देखे क्या उसकी, मेरे हाथ लगेगा ना तो मैं भी इसका घर दबा दूंगा। था बोले तुम्हें, देखो मुंह उठा के चला रहा अंदर। घबरा क्यों रही हो? है ना, होना मैं संभाल लूंगा। फरहाद अगर साकिब भैया तक पहुंच गए तो क्या होगा? अरे नहीं पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे? अगर वो पहुंच गए यहाँ तक, तुमने देखा नहीं जुजू और जिबगा उन्होंने क्या फील किया? क्या होगा अगर वो तब तक पहुंच गए तो वो क्या कर बैठेंगे? मैं नहीं जानती। यार नहीं पहुंचेंगे, अगर पहुंच गए तो मैं संभाल लूंगा सब कुछ, तुम फिक्र मत करो। मुझे बहुत डर लग रहा है। फिया ए वो फुमत ना, इधर देखो बस मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
श्रीनाथ 10 मिनट में आ जाऊंगा, तुम यही रहो, तुम्हारे यहाँ रहना बेहतर है। नहीं, मेरा तुम्हारे साथ रहना बेहतर है फरहाद, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। चलो शुक्रिया। ये नहीं, और कुछ है ना बेटे? इनको जवाब पे प्यारे खाना खिलाओ, भूख लगी है इन्हें, बहुत इतनी भूख लगी है। क्या नाम है आपका? रुक जाओ, बैठो 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 बैठो। क्या नाम है आपका? ये लो, ये भी ले लो, ये लो, ये लो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये लो। आप क्या कर रहे हो? खोल के दो ना फरहाद। मैं खुद ही खोल लेगा ना। क्या बात करते हो, डरो मत। क्या नाम है आपका? इतनी भूख लगी थी, कोई खाना नहीं देता। ये लो, क्या नाम है आपका? वो देखो, करीब आके खिलाओ ना हाथ से। आ, आओ ना, खिलाओ प्यार से खिलाओ। देखो, देखो, आओ, बैठो। तुम्हारे ख्याल में मैं कैसा बाप? बाप सबसे अच्छे हैं, हर अच्छे हैं। तुमका अगर अपने बाप से जरा सी भी मोहब्बत है, मेरी इज्जत का जरा सा भी पास है, तो कोई तमाशा मत करना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। नहीं प्लीज नहीं। शोर तो अब मचेगा पापा, भाग गई आपकी लड़की घर से। पहले जमाने में बाप अपनी बेटियों को जिंदा दफनाते थे, लेकिन अब बेटियां बाप को जिंदा दफनाती हैं। भाभी, वो लड़के वाले आपसे बात करना चाह रहे थे। क्या बात करूंगी मैं उनसे? वो फरिया की बरी लाना चाह रहे थे, फरिया को खुद देना चाहते हैं, रस्म है उनके यहाँ। तो तुम कोई बहाना कर दो, साकिब जरूर अच्छी खबर लाएगा, वो सुबह से निकला हुआ है ना उसकी तलाश में। आखिर कब तक टालेंगे? सिर्फ कल का दिन है, परसों तो निकाह है, और अगर फरिया नहीं मिली तो कितना देखेंगे ना। जब तक तो उसको संभालो तुम, और इतना भी नहीं हो सकता तुमसे क्या? मिल जाएगी भाई साहब, मिल जाएगी। उसे अपनी गलती का एहसास खुद हो जाएगा। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। बिल्कुल भी वकालत मत करना उसकी, समझ गई? हर गलती को नजरअंदाज किया, माफ किया, यहां तक मामला पहुंच जाएगा ये नहीं सोचा था हमने। एक दफा उसे अपनी सफाई देने का मौका तो दे। हैं? अरे मेरे घर के बाहर उस आदमी के मुस्टंडे पैरा दे रहे हैं, किसी वक्त भी पुलिस का केस बन जाएगा ये।
और वो है कहाँ, किस लड़की के साथ है, पता है कुछ? सफाई का मौका किसे दूं? सामने तो लाओ उसे। तो जो जो भी गायब है वो भी उसके साथ फरार हुआ होगा। अंग्रेज दोनों की चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। लड़की के पीछे ये भी नहीं सोचा कि हम पे क्या गुजरे। यही तो मसला है शमीम बेगम, सोचते कहाँ है वो? अकले कुल बने फिरते हैं, भुगतना हमें पड़ता है। ना दिल बड़ा कर लो, तुम्हारा बेटा गया तुम्हारे हाथ से। अरे जो माँ बाप का नहीं हो सका वो किसी और का क्या? हमने भी तो घुटने देखे सर अपनी माँ बाप की मर्जी के आगे। की ना तुमसे शादी, जिम्मेदारी निभाई है नहीं, सभी निभाते हैं। ये को आसमान से उतरे हैं क्या? एक बात सुन लो मेरी, अब ये सड़कों पे मारा मारा फिरे या जेल की हवा खाए मुझे नहीं पता। मैं उसे कुछ नहीं सिखा सका, अब लगता है इसी तरह सीखेंगे। फराद कहाँ, किधर हो, किधर हो? अंदाजा है क्या किया है तुमने? किरण, कोई और रास्ता नहीं था मेरे पास। मेरी बात सुनो, दिमाग ठीक है तुम्हारा? अंदाजा है मेरे भाई आपको कि आपने किया क्या है और आपकी हरकत की वजह से हुआ क्या है, कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है यार। अरे मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था ताकि तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। सही है, प्रिया का भाई आप दोनों को ढूंढते हुए हमारे घर के दरवाजे पे आ गया। गुस्सा आया अपने आदमियों को लेके, बंदों को लेके घर के अंदर गुस्सा है यार, पूरे घर की तलाश ही नहीं है घर में घुस के। क्या मतलब बदतमीजी की है? तुम्हें ऑनेस्टली ये लग रहा था कि तुम इतनी बड़ी हमाकत करोगे, इतनी जिव्या हरकत करोगे और हम पे कोई असर नहीं होगा उसका? इसे मैं बाद में देख लूंगा, किरण मुझे सिर्फ एक दिन का टाइम दे दो, मैं आके सब कुछ ठीक कर दूंगा। अच्छा सही है सही है सही है सही है, सही है। क्या होगा, एक दिन में होगा क्या बेसिकली? फराद फराद, खुदा के वास्ते कोई ऐसी हरकत मत करना आप कि जिसका हमें पूरी जिंदगी खमियाजा भुगतना पड़े, ठीक है? अरे किरण यार, सब पहले ही बड़ी टेंशन बनी हुई है, सब तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। मेरी बात सुनो, तहमुल से मेरी बात सुनो, मिलते बैठ के बात करते, मुझे देखना है तुम्हें, मिलना है तुमसे, प्लीज अपना एड्रेस भेजो, मैं आ जाती हूँ, मिल के बैठ के बात करती हूँ तहमुल से, ठीक है? रिलैक्स करो। किसका फोन था? अम्मी थी। अम्मी उस घटिया आदमी के लिए तुम मुझसे झूठ बोलोगी? हाँ हाँ, ये है मेरा, मुश्किल में है। सारी मुश्किलें ना उसने खुद अपने लिए खड़ी की है, तुम्हें पता है? तुम दोनों बहन भाई का ना एक ही मसला है शाज़ेन। ये मसला है तुम दोनों का, अपने लिए खुद तकलीफ पैदा करते हो। आइंदा मुझसे झूठ मत बोलिए, समझी? चलो जी, फरहाद का एड्रेस तो आ गया। और साकिब भाई ये सुनकर बहुत खुश हुए। नहीं 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 शाज़ेन, शाज़ेन नहीं 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 शाज़ेन, शाज़ेन
हेलो, आपके लिए गुड न्यूज है, आपकी बहन का पता चल गया। कौन बात कर रहा है? वही लफंगे का बहन हुई। कहा था ना, जैसे ही पता चलेगा आपको बताऊंगा। एड्रेस भेजो जल्दी। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आ गया औकात पे, बता कितने पैसे चाहिए। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि आप जब भी उसकी हड्डी पसली एक करें, उसकी वीडियो जरूर बनाएं और नेट पर अपलोड करें, ताकि लोगों को सबक मिले कि उनकी बहन बेटियां ऐसे बदमाशों के बीच ना रहें। बस इसके अलावा और कुछ नहीं। हो जाएगा, एड्रेस भेजो। जी मैं भेजता हूँ। अब आएगा मौसम। उठे? सोया ही नहीं। क्यों? ये सोचकर नींद नहीं आ रही थी कि आज तुम मिसेस फरहान बन जाओगी और मैं मिस्टर प्रिया। हेलो फरहाद, फरहाद 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 मेरी बात सुनो, निकलो वहां से, भागो वहां से, भागो 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 फौरन फौरन। क्या हुआ किरण? इस वक्त बिल्कुल टाइम नहीं है कुछ बताने का, बहुत मुश्किल से कॉल कर रही हूँ। प्रिया के भाई को वहां का पता चल गया, निकलो वहां से जितना जल्दी हो सके, बस भागो। फरहाद क्या हुआ है? इसके वो लोग आ गए हैं। Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports.